हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम लोग टाइप्स ऑफ ड्रामा पढ़ेंगे जो कि इंग्लिश लिटरेचर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंदर जितने भी हमारे ड्रामास के टाइप होते हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, उनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, साथ में उन ड्रामास के जो एग्ज़ाम्पल हैं और किस तरह के जो ड्रामा हैं हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं उनके मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, क्योंकि जितना आप लाइक और शेयर करते हैं हमारी टीम को उतना ही मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ सकें। तो इंग्लिश लिटरेचर के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि UGC नेट, सेट एग्ज़ाम, गेट एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू द स्टेट PSC इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो DSSB, EMRS, KVS और NVS में इंग्लिश टीचर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, TGT, PGT की, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये जो वीडियो है सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वो सभी कैंडिडेट जो हैं इन वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वीडियो हम लोगों ने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं जिनकी जो लिस्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, जिसको आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर और इस और टेलीग्राम चैनल और ग्रुप जो है, जिसके अंदर हम लोग जो है समय समय पर आपके लिए बहुत सारे हेल्पफुल नोट्स अपलोड करते रहते हैं, तो उनके लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिए हैं, आप जाके उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग जिन ड्रामास को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रेजेडी कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, हिस्टोरी प्ले या जिसको हम लोग हिस्टोरिकल प्ले कह सकते हैं, प्रॉब्लम प्ले, रियलिस्टिक ड्रामा, पोइटिक ड्रामा, एपिक थिएटर और थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। इन सभी ड्रामा को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे और इनके इन सभी ड्रामा जो कि हमने टाइप्स अभी देखे हैं इनके ऊपर जो डिटेल वीडियो जो है मैं एक एक करके जो है आगे के फ्यूचर वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करते हैं ट्रेजेडी। जैसे ट्रेजेडी का जो मीनिंग है, जैसा कि आप सभी को थोड़ा सा इसके बारे में पता होगा कि ट्रेजेडी का मतलब होता है कुछ ऐसा हो जाना जिसके अंदर जो है हमें अच्छा नहीं रहता। फॉर एग्जांपल हम लोग मूवीज़ देखते हैं, उसमें जो एंडिंग होती है वो फेवरेबल नहीं होती हमारे अकॉर्डिंग, या फिर जिसमें कोई एक्टर या एक्ट्रेस जो है जिसकी डेथ हो जाती है, या फिर किसी तरह का ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे वो जो एंडिंग है आप व्यूअर्स को पसंद नहीं आती है, तो उसको जो हम लोग कहते हैं उसे हम लोग ट्रेजेडी कहते हैं। और ये जो नॉवल एक तरह से जो पीपल के जो सेंटीमेंट्स के जो ऊपर होती है, इसी को लोग जो हम लोग जो है ट्रेजेडी कहते हैं। तो इस तरह की जो ट्रेजेडी होती है उसमें हमारा जो ह्यूमन पेन है या कुछ ऐसे इवेंट्स जो हैं हमारी लाइफ से रिलेटेड जिनको हम लोग नहीं चाहते कि वो हमारे साथ घटे, बट स्टिल वी आर वॉचिंग ऑन द इन द ड्रामा। और इस तरह के कैरेक्टर्स को जो कि मेजर कैरेक्टर हैं, जो कि ड्रामा के हीरो हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनको जो है उस तरह के मेजर जो उस तरह का जो ह्यूमन पेन होता है, उस तरह के इवेंट्स को जब हम लोग ड्रामा में देखते हैं तो उनको हम लोग जो है एक तरह से हमें फील होता है कि दिस काइंड ऑफ सीन और दिस काइंड ऑफ थिंग इज नॉट शुड नॉट बी हैपन विद दिस कैरेक्टर, तो उसी को हम लोग जो है ट्रेजेडी कहते हैं। अब इसमें जो ट्रेजेडी में भी एक तरह के इस तरह के भी टाइप देखा गया जिसमें हीरो को स्ट्रगल देखना पड़ता थ्रू आउट द ड्रामा, और इसमें जब वो किसी भी तरह के स्ट्रगल से जब लड़ता है, कॉन्फ्लिक्ट से लड़ता है, तो उस तरह की जब भी हम लोग जो चीज़ों को देखते हैं ड्रामा के अंदर, तो उसको भी हम लोग जो है ट्रेजेडी कहते हैं। अब ट्रेजेडी के जो काफ़ी सारे एग्जांपल है वो मैं देने जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में आपके सामने। तो एक तरह का जो ट्रेजेडी है वो कहीं ना कहीं हमें एक तरह से इंस्पिरेशन देता है हमारी लाइफ के लिए कि किस तरह के जो मेजर ब्रेकडाउन हो रहे हैं किसी कैरेक्टर के साथ ड्रामा के अंदर, तो उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए, मोटिवेशन लेते हुए जो है हम पर्सन जो है काफ़ी मोटिवेट होते हैं और अपना जो गोल होता है हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। मतलब हमें बहुत कुछ समय के लिए तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी चल रही है ये कहीं ना कहीं हमारी जैसी है, और हमें जो है इस तरह की कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रगल। तो इस तरह के जो स्ट्रगल हम लोग जो है ड्रामास के अंदर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि वो जो ड्रामा है हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसा है जो कि हमारी स्टोरी भी उसी के अंदर है। अब काइंड्स ऑफ ट्रेजेडी में अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर रिवेंज ट्रेजेडी, डोमेस्टिक ट्रेजेडी,
सोशल ट्रेजेडी, मेलोड्रामा, रोमांटिक ट्रेजेडी और हीरोइक ड्रामा। तो इस तरह की कुछ ट्रेजेडी हैं जिनके ऊपर जो टाइप्स हैं इनके वो आपके सामने कैटेगराइज किए जाते हैं। अभी हमने लास्ट स्लाइड में इन ट्रेजेडीज के ड्रामा के टाइप्स देखे थे, अब इन्हीं ड्रामा के जो हमारे जो एग्जांपल्स हैं कुछ वो इस तरह से हैं। जैसे ट्रेजेडी अगर देखे जाए, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में मैंने मेंशन किया है, इसमें रिवेंज ट्रेजेडी के अंदर आता है हमारा एक ड्रामा है स्पेनिश ट्रेजेडी, जिसमें इसमें इसका जो ऑथर है वो है थॉमस किड। इसी तरह से एक और रिवेंज ट्रेजेडी है द जू ऑफ माल्टा, जो कि 1592 में लिखा था क्रिस्टोफर मार्लो ने। देन एक और ट्रेजेडी है रिवेंज ट्रेजेडी द डच ऑफ माल्फी, जो कि 1612 में लिखा गया था बाय द जॉन वेबस्टर के द्वारा। देन रिवेंज ट्रेजेडी जो है हैमलेट, जिसे 1602 में लिखा था विलियम शेक्सपियर ने, और विलियम शेक्सपियर को ट्रेजेडी का ऐसा किंग भी बताया जाता है क्योंकि इनके लिखे हुए मैक्सिमम जो ड्रामा हैं वो ट्रेजेडी हैं या फिर कॉमेडी हैं, या फिर एक तरह से इन्होंने काफ़ी सोनेट्स का मैं काफ़ी लिखे थे, तो जिनको हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। देन डोमेस्टिक ट्रेजेडी में है द लंदन मर्चेंट, जिसको कि जॉर्ज लीलो ने लिखा था। देन इसके बाद है सोशल ट्रेजेडी के अंदर है अ डॉल हाउस, जिसको कि हेनरिक एप्सन ने लिखा था। देन रोमांटिक ट्रेजेडी में रोमियो एंड जूलियट, अगेन विलियम बाय द विलियम शेक्सपियर, और हीरोइक ड्रामा के अंदर द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो बाय द अलेक्जेंडर डूमास। तो ये सारे जो है वो कुछ ट्रेजेडी के आपके सामने एग्जाम्पल, इनको मैंने मैंशन किया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रामा जिसमें कॉमेडी को देखते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कॉमेडी, यानी एक तरह से कुछ ऐसे जिसके अंदर कुछ ऐसे सीन होते हैं कॉमेडी ड्रामा के अंदर। अगर हम लोग ड्रामा को अभी थोड़ी देर के लिए मूवीज़ से अगर मैं आपको कोरिलेट करके देखूं, तो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनती हैं जिनमें जो जिसके जो डायलॉग्स होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं हमारे मूड को बहुत रिलैक्स कर देते हैं, ह्यूमरस होते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉमेडी एक तरह से हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि हम हमेशा मोटिवेशन इंस्पिरेशन लेना बहुत अच्छी बात है, बट हमें हमेशा लाइफ को जिस तरह से जीना चाहिए एक लाइट मूड के अंदर, वो जो है हमें कॉमेडी को देखने को मिलता है। अब इसके अंदर कॉमेडी के अंदर जितने भी हमारी मतलब अभी तक जितने आए हैं, तो उसमें सोसाइटी को लेते हुए ड्रामा है, और उनके अंदर ड्रामा के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फ्लॉज है, मतलब कुछ, क्योंकि हम लोग वी ऑल पीपल आर नॉट 100% परफेक्ट, हमारे अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, तो उसी तरह के फ्लॉज के जो है वो कैरेक्टर्स के अंदर भी होते हैं जो कि ड्रामा के अंदर रोल प्ले करते हैं, तो उन्हीं फ्लॉज को जो है हम कॉमेडी के फॉर्म में देखते हैं। तो इसमें जो एक तरह से जो ऑडियंस का जो मूड होता है, केवल उनको देखने का जो मेन मकसद होता है ऑडियंस का इस तरह के ड्रामा को, वो अपने को प्लेजर देना, एक ग्लैड मूड में रखना, और इस तरह की जो कॉमेडी है वो अभी भी जो है इवन पहले से लेकर अब तक जो है कॉमेडी जो है चलती आ रही है। तो यहाँ पर जो कॉमेडी है वो एक तरह की ऑर्डिनरी पीपल के होप से रिलेटेड है, और किस तरह से एक कॉमन पर्सन जो है किस तरह के स्टेटमेंट के द्वारा भी, मतलब अगर आप बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हुए हैं इंडियन बॉलीवुड्स के अंदर, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बॉलीवुड मूवीज़ दी हैं और ड्रामा दिए हैं, जो कि बहुत लाइट मूड के अंदर जो है पर्सन्स के मूड को बहुत सही बनाते हैं। तो इस तरह की जो कॉमेडी है उसमें हीरोज़ के अंदर किसी तरह का फ्लॉ होता है, तो किस तरह से वो उसको बहुत लाइट मूड बनाता है, और थ्रिलिंग एडवेंचर्स हैं या फिर एग्जांपल की तरह पर बहुत सारे ऐसे हीरो और हीरो के बीच में और उनके फादर के बीच में आपस में जो डायलॉग्स होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि मतलब एक तरह से उनको फ्लॉज आता है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये कॉमेडी में देखने को मिलती हैं। और जैसे मैरिज है, जैसे बहुत सारी ऐसी कॉमेडी हैं जिसमें मैरिज और मैन और वुमेन की रिलेशनशिप को लेकर बातें की जाती हैं, तो उस तरह की जो और आपस में दोनों शादी करना चाहते हैं, तो कैसे एक मैन वुमेन की तरफ जाके शादी करेगा, तो उस तरह के बीच में कितने सारे इवेंट्स आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको कॉमेडी के हेल्प से जो है ड्रामा में प्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें कुछ टाइप्स ऑफ कॉमेडी के अंदर देखा जाए तो फार्स है, देन कॉमेडी ऑफ मैनर्स, बहुत इसके बारे में मैं आपको बाद में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग इसके बारे में, देन रिस्टोरेशन कॉमेडी, देन सेंटीमेंटल कॉमेडी, देन कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस एंड टेंडेंसी कॉमेडी, ये कुछ जो है इसके टाइप्स है। इसके अलावा फेस्टिव कॉमेडी, अब इनके बारे में कुछ
एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम देख लेते हैं, जिसमें आपके सामने एग्जाम्पल्स मैंने मेंशन किए हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ़ार्स के बारे में। तो फ़ार्स एक तरह की ऐसी कॉमेडी होती है, लाइट मूड कॉमेडी होती है। तो इसका जो एक एग्जाम्पल है ड्रामा में चार्ली आंट्स, जिसको कि ब्रैंडन थॉमस ने लिखा था। देन कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंदर लव्स लेवर लोस्ट, जिसको शेक्सपियर ने लिखा था, विलियम शेक्सपियर ने। देन कॉमेडी ऑफ मैनर्स में एक और है मच अडू अबाउट नथिंग, देन अगेन बाय द विलियम शेक्सपियर। देन रेस्टोरेशन कॉमेडी में द वे ऑफ वर्ल्ड, जिसको जिसको कि 1700 में लिखा था बाय द विलियम कॉनग्रेव। देन अगेन रेस्टोरेशन कॉमेडी में एक और द कंट्री वाइफ, जिसको कि 1675 में लिखा गया था बाय द विलियम वॉर्शलेट। देन अगेन सेंटीमेंटल कॉमेडी में दो एग्जाम्पल हैं, शी स्टूप्स टू कॉन्कर बाय द गोल्ड स्मिथ एंड द अगेन बाय द सेंटीमेंटल कॉमेडी द रिवेल्स बाय द शेरिडन। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमेडी ड्रामा। तो ऐसा नहीं है कि केवल इतना ही है, बहुत है, अनगिनत है वो, केवल आपके सामने उनको टाइप्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। देन अगेन कुछ और है एग्जाम्पल आपके सामने, जिसमें सेंटिमेंटल कॉमेडीज के अंदर अ स्कूल फॉर स्कैंडल्स बाय द शेरिडन। देन अगेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ बींग अर्नेस्ट, ये आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा ड्रामा है, शॉर्ट ड्रामा है बाय द ऑस्कर वाइल्ड, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। देन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में वॉलपुन बाय द जॉनसन। देखिए मैंने कहीं कहीं पर ऑथर्स के पूरे नाम नहीं है, केवल उनके फर्स्ट नेम या सेकंड नेम से मेंशन किया है, इट्स वेल अंडरस्टूड। ओके, देन फेस्टिव कॉमेडी में अगेन एज यू लाइक इट बाय द विलियम शेक्सपियर। एंड द फेस्टिव कॉमेडी में एक और द मिड नाइट सॉरी मिड समर नाइट ड्रीम बाय द विलियम शेक्सपियर। देन इसके बाद है ट्रेजिडी ट्रेजिक कॉमेडी। अब देखिए स्टूडेंट्स, कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, डेफिनेटली हम उसका जो रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा जो है जो नोट्स के अंदर कोई अगर कोई कहीं पर डाउट है आपको, तो उसको आप लिखिएगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अब देखिए ट्रेजिक कॉमेडी जो है, कुछ ऐसे भी ड्रामा होते हैं जो कि ट्रेजिडिक ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों के बीच में होते हैं, यानी उनमें ट्रेजेडी भी होती है, उनमें कॉमेडी भी होती है। और क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि केवल स्ट्रगल ही होता है, हमें केवल इंस्पिरेशन के ही लेना होता, बल्कि हमारी लाइफ के अंदर कॉमेडी भी होती है, और साथ में ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों जो हैं लाइफ के पार्ट्स हैं, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा विलियम शेक्सपियर ने भी कहा था अपनी नॉवेल्स में और सॉरी अपने ड्रामास के अंदर। देन इट कंटेन्स बोथ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी, एंड इट कैन बी ट्रेजिडी विद अ हैप्पी एंडिंग और अ ट्रेजिडी विद एनफ कॉमिक रिलीफ टू लिफ्ट द ओवरऑल मूड ऑफ द प्ले। यानी इस तरह के ड्रामास के अंदर ट्रेजिडी भी होती है, यानी हैप्पी एंडिंग भी होती है, मतलब थ्रू आउट ड्रामा के अंदर ट्रेजिडी चल रही है और आखिरी में हैप्पी एंडिंग हो गई, या फिर कुछ ऐसा लास्ट में होगा कॉमिक सीन होगा जिसमें जितना भी जो लोग देखने आए हैं उस प्ले को, उनका जो मूड है वो भी एकदम लाइट हो जाएगा। देन इस तरह के जो ट्रेजिक कॉमेडी में जो होता है कि इसमें फनी और ट्रेजिक दोनों जो हैं एक तरह से, जैसा कि मैंने बताया, ये ह्यूमन बीइंग की लाइफ से ही इंस्पायर होके इस तरह के जो ड्रामा हैं वो लिखे जाते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे जो नोट्स हम लोग जो अभी आपके सामने ले बता रहे हैं, इन सभी को जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उनका जो लिंक है मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया है, जाके आप उनको देख लीजिएगा। इसके बाद ट्रेजिक कॉमेडी के कुछ एग्जांपल, जैसे द फेथफुल स्फियरडेस बाय द जॉन फ्लेचर, मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय द विलियम शेक्सपियर। अब देखिए कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल होंगे जो कि दो या तीन तरह के टाइप्स के अंदर हैं, तो उसमें जो ड्रामा है वो जिस लिखा गया है उसमें काफ़ी तरह के एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग जो हैं दो तीन कैटेगरी में, दो तीन टाइप में उसको हम लोग जो हैं उस तरह के ड्रामा को कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय द विलियम शेक्सपियर, द विंटर टेल बाय द अगेन विलियम शेक्सपियर, एंड द चेरी ऑर्चर्ड बाय द एंटोन चेकॉफ। इसके बाद वेटिंग फॉर गॉडॉट्स बाय द सैमुअल बेकेट, एंड केयर टेकर बाय द हेरोल्ड पेंटविस। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी। इसके बाद कुछ हिस्ट्री प्ले, जिसे हम लोग हिस्टोरिकल ड्रामा या हिस्टोरिकल प्ले भी कह सकते हैं, इसके अंदर हिस्ट्री प्ले के अंदर एक्चुअली में जो ड्रामा हम लोग जो प्रेजेंट किया जाता है हमारे सामने जिन ड्रामेटिस्ट के द्वारा या जिन ऑथर्स के द्वारा, तो वहाँ पे उन तरह की थीम्स को वो लेते हैं जो कि वो जो थीम है या वो इवेंट्स जो हैं उसके समय से, उसके ड्रामेटिस्ट से पहले के समय से हुए हैं, और उन थीम्स को हम लोग जो हैं उस हिस्टोरिकल थीम को हम लोग
एक ऐसे इवेंट, ऐसे रिलेटेड इवेंट्स में हम लोग जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में उनको हम लोग जो है एक तरह से देखते हैं। तो अ ड्रामा हैविंग अ हिस्टोरिकल थीम दैट इज यूजली मेड अप ऑफ लूजली रिलेटेड सीन्स दैट आर ऑर्डर्ड क्रोनोलॉजिकल वन बाय वन, दिस काइंड ऑफ ड्रामाज आर नोन एज द हिस्ट्री प्ले और हिस्टोरिकल ड्रामा। अब यहाँ पर जनरली कुछ ऐसे पास्ट के लेसन जिन्हें हम लोग जो हैं प्रेजेंट के समय में एक तरह से उनको इवेंट फॉर्म में देखना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा, उनको जो है हिस्ट्री प्ले में देखा जाता है। अब ये जो हिस्ट्री प्ले होते हैं ये हिस्टोरिकल नैरेटिव्स या हिस्टोरिकल नैरेशन से होते हैं, यानी उसमें जो इवेंट है जैसा कि मैंने बताया कोई हिस्ट्री में जो इवेंट हुआ था और उसका जो एक तरह से रोल है उसको प्रेजेंट के फॉर्म में देखा जा रहा है। और हिस्ट्री प्लेस के कुछ एग्जांपल हैं बाय द क्रूसिबल बाय द आर्थर मिलर इन 1953, अ मैन फॉर ऑल सीजन बाय रॉबर्ट बोल्ट्स इन 1962, द लॉयन इन विंटर्स बाय द जेम्स गोल्डमैन, द इंडियन क्वीन बाय द सर रॉबर्ट हॉवर्ड। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं इंग्लिश लिटरेचर के जिसमें UGC नेट एग्ज़ाम, सेट एग्ज़ाम, KVS, DSSB, EMRS, NVS का TGT, PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर बाय द स्टेट PSC और PSD एंट्रेंस एग्जाम्स के कोर्सेज हम लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं। तो इन कोर्सेज में इनरोल करने के लिए, इन कोर्सेज के लिए इंक्वायरी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। और सेट कोर्सेज को जिनको हम लोग टारगेट करते हैं, यानी जो स्टेट के जो आपके स्टेट एलिजिबल टेस्ट होते हैं जिनको हम लोग टारगेट करते हुए हैं, छत्तीसगढ़ सेट, गुजरात सेट, हिमाचल प्रदेश सेट, कर्नाटका सेट, महाराष्ट्र सेट, उत्तराखंड सेट, राजस्थान सेट, हरियाणा सेट, गोवा सेट और वेस्ट बंगाल सेट। तो इन सभी कोर्सेज के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्ले है या नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रामा है प्रॉब्लम प्ले। अब प्रॉब्लम प्ले जैसा नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम लोग जो है ड्रामा के फॉर्म में, इवेंट्स के फॉर्म में देखते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम प्ले में जनरली जो इसका जो ओरिजिनेट हुए थे ये प्रॉब्लम प्ले, ये 19th century में हुए थे और ख़ास तौर से रियलिस्टिक ड्रामा के अंदर ही पहले हम लोग इनको देखते थे, बट धीरे धीरे प्रॉब्लम प्ले ने एक अपना रोल जो है वो प्ले करना स्टार्ट कर दिया। और इसको, ये जो टर्म है प्रॉब्लम प्ले, इसको कॉइन किया था बाय द सिडनी ग्रांडे। और ये जो इस तरह के जो प्ले हैं ख़ास तौर से पॉपुलराइज किए गए थे बाय द हेनरिक इप्सन, जो कि एक नॉर्वियन बहुत अच्छे प्ले राइटर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा, जिनके मैक्सिमम प्ले जो रिलेटेड हैं प्रॉब्लम प्ले के अंदर की कैटेगरीज में आते हैं। अब इसमें जो है ख़ास तौर से प्रॉब्लम प्ले के अंदर जिस तरह के सोशल इशू को दिखाया जाता है उनमें आपस में कैरेक्टर्स को आपस में डिबेट करते हुए प्रॉब्लम प्ले के अंदर दिखाया जाता है। और उसमें जिस तरह के सोशल इश्यूज़ को उठाया जाता है, जैसे कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज़ को दिखाया जाता है जिसमें कोई से भी सोशल इशू हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने भारत के अंदर डोरी जो जैसे हम दहेज प्रथा है, इस तरह के जो सोशल इश्यूज़ होते हैं, या फिर आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम है, इस तरह की जो सोशल इश्यूज़ को प्रॉब्लम प्ले के अंदर दिखाया जाता है। और इसके अंदर ख़ास तौर से प्रॉब्लम प्ले के अंदर इन सोशल इशू को जो दिखाया जाता है उसमें रियलिस्टिक जो रियलिटी है उन प्ले की, रियलिटी है जो एक लाइफ की, उनको जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारी रियल लाइफ के अंदर, उनको जो है प्रॉब्लम प्ले के अंदर दिखाया जाता है। अब प्रॉब्लम प्ले के अंदर जैसा कि मैंने बताया कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ड्रामा के फॉर्म के अंदर दिखाया जाएगा और वहाँ से जो है किस तरह से कैरेक्टर्स आपस में डिबेट करेंगे। और इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह की जो प्रॉब्लम ली जाती है वो हमारी सोसाइटी से एक तरह से बोला जाए कि मोटिवेट होकर उसको जो है प्रॉब्लम प्ले के अंदर दिखाया जाता है, जिसका जो कैरेक्टर है सोशियोलॉजिकल नेचर का होता है। अब इसके अंदर आपकी हाउसिंग प्रॉब्लम को, अनएम्प्लॉयमेंट को और लेबर प्रॉब्लम को, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनको जो है प्रॉब्लम प्ले के अंदर दिखाया जाता है। ये बहुत मैंने ब्रीफ में डिस्कस किया है अभी आपको, इसको मैं डिटेल में आगे आपके लिए प्रेजेंट करूँगा आगे के वीडियोस के लिए। अब प्रॉब्लम प्ले के कुछ एग्जांपल हैं जैसे मेजर फॉर मेजर बाय द विलियम शेक्सपियर, ऑल इज़ वेल दैट्स एंड इज़ वेल बाय द एंड्स वेल बाय द विलियम शेक्सपियर, अगेन अ डॉल हाउस बाय द हेनरिक इब्सन, देन मिसेस वैरन प्रोफेशन
मिसिस वेरन्स प्रोफेशन बाय द जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि बहुत फेमस 20th सेंचुरी के ड्रामेटिस्ट रहे हैं अपने समय में। देन इसके बाद आता है रियलिस्टिक ड्रामा। रियलिस्टिक ड्रामा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जैसे जैसे रियलिटी को ड्रामा के अंदर प्रेजेंट किया जाता है, जैसे जैसे रियल लाइफ में एक पर्सन के साथ होता है, घटित होता है, उसमें आप देखें तो इस तरह के जो ड्रामा हैं ये मिड 19th सेंचुरी में बहुत डेवलप हुए। और इसके अंदर जो हमारी डे टू डे, जो मैंने बताया आपको, डेली लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है, डेली लाइफ की जो वरी है, उसका जो एक रिफ्लेक्शन जो है रियलिस्टिक ड्रामा के अंदर देखने को मिलता है। और जिस तरह से एक पर्सन के बीच में, जिस तरह से उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके इन्वायरमेंट्स के जो चारों तरफ उसके जो सोशल इंट्रैक्शन हैं, किस तरह से मॉडर्न समय में हमारी जो प्रॉब्लम हैं, किस तरह की मिजरीज प्रॉब्लम को एक तरह से एक आम आदमी को घटित कर देती है, उसको चारों तरफ से घेर के रखती है, उस तरह की प्रॉब्लम को एक उससे जो है रियलिस्टिक ड्रामा के अंदर दिखाया जाता है। अब इसके अंदर जो, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी खुद की ऐसा लगेगा जब हम लोग रियलिस्टिक ड्रामा के अंदर देखेंगे, मैक्सिमम जो एलिमेंट्स होंगे हमारी ही लाइफ से लिए जा रहे हैं। जैसे अगर एक पर्सन की एडल्टहुड की लाइफ को देखें, तो जब वो कोई पर्सन 25 इयर्स की एज पे आता है, तो उसके सामने अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मैरिज की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए एक तरह से बहुत सारे जो उसके फैमिली इश्यूज होते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है एक एडल्ट के साथ। तो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक ड्रामा के अंदर इन्हीं तरह के इश्यूज को, इस तरह के सोशल इंट्रैक्शन को जो है रियलिस्टिक ड्रामा में दिखाया जाता है। और रियलिस्टिक ड्रामा जो है ये काफ़ी समय से आ रहे हैं, जैसा कि बताया कि मिड 19th सेंचुरी से, यानी 1850 से इनका जो ओरिजिनेट हुआ था, क्योंकि उससे पहले के जितने भी ड्रामा हैं उनमें कहीं ना कहीं इमेजिनेशन, ट्रेजिडी, कॉमेडी इस तरह की है। बट अब जो मैक्सिमम जो हम लोग ड्रामा देखते हैं अपनी यहाँ पर जो भी डेवलप होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं सारे ड्रामा जो है रियलिस्टिक ड्रामा में निकलते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि जिस तरह की एक पर्सन की लाइफ से जो इश्यूज निकल कर आते हैं हमारे आपस में, रिलेशनशिप के बीच में और सोशल इंट्रैक्शन के बीच में, तो उनको जो है रियलिस्टिक ड्रामा में दिखाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो खुद के एक जो इश्यूज हैं, एक अपने जो खुद के एक्सपीरियंस हैं, उनको एक बहुत ही स्ट्रक्चर वे के अंदर जो है रियलिस्टिक ड्रामा में प्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर जो है ये इस तरह के जो ड्रामा है, रियलिस्टिक ड्रामा, जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 150 ईयर्स से काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए हैं। और मैक्सिमम जो अब जो डायरेक्टर्स भी हैं या फिर ड्रामेटिस्ट भी हैं, जो मूवीज़ भी बनाते हैं इसी तरह की बेस रियलिस्टिक ड्रामा के ऊपर, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मूवीज़ बनती हैं बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, वो इसी तरह की रियलिस्टिक ड्रामा के ऊपर बनती हैं। देन पोइट्री ड्रामा, पोइट्री ड्रामा, जैसे अब पता चल रहा है आपको पोइट्री, यानी पोइट्री एंड ड्रामा, यानी कहीं ना कहीं जो ड्रामा को प्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री जो है पोइट्री ड्रामा के अंदर होता है। तो पोइट्री ड्रामा में अ मिक्सिंग ऑफ पोइटिक, यानी पोइट्री एंड ड्रामेटिक एलिमेंट्स इन अ यूनियन फॉर्म, यानी यहाँ पर पोइट्री को और ड्रामा को, दोनों के एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करके जो ड्रामा प्रेजेंट किया जाता है, उसको जो है हम लोग जो है पोइट्रिक ड्रामा कहते हैं या पोइट्रिक ड्रामा कहते हैं। अब यहाँ पर जो ड्रामा होता है उसे वर्सेस के फॉर्म के अंदर, यानी अभी तक हम लोगों ने देखा जो ड्रामा हमारे सामने अभी तक प्रेजेंट किए, मतलब अभी तक जिन टाइप्स को हम लोग देखा, तो वहाँ पे जो ड्रामा था वो प्रोज के फॉर्म में था। बट यहाँ पे पोइट्रिक ड्रामा के अंदर जो हम लोगों के सामने जो प्रेजेंट किया जाता है वो वर्सेस के फॉर्म में होता है, वर्स के फॉर्म में होता है। और यहाँ पे ड्रामेटिक वर्क को एक तरह से पोइट्रिक फॉर्म के अंदर कंपोज किया जाता है। अब इसके अंदर एक पोइट्री जो है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर इस तरह के ड्रामा के अंदर पोइट्री जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, जो कि बिल्कुल अलग नहीं हो सकती। तो इसका जो इस तरह के जो ड्रामा जो है, जो पोइट्री ड्रामा के जो प्लॉट हैं, कैरेक्टर हैं, उनमें आपस के अंदर जो पोइट्री जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पर जो पोइट्री को कैरेक्टर्स के बीच में, कैरेक्टर्स किस तरह से, कैरेक्टर्स का जो रोल है, कैरेक्टर्स की जो स्टोरी जो आगे बढ़ती है, तो उसको तरह की पूरी स्टोरी को जो पोइट्री किया जाता है वो पोइट्री के फॉर्म में कहा जाता है। अब पोइट्री के अंदर इसमें आपकी जो है वो लिरिक, जैसे आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी होंगी हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड में तो अब ऐसा होना बंद हो गया, जिसमें जो सारा का सारा जो एक तरह से डायलॉग है वो पोइट्री के फॉर्म के अंदर है या फिर लिरिक्स के फॉर्म के अंदर होता है। तो इस तरह की जो ड्रामा है वो पोइट्री ड्रामा के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर
जो है जो बेस्ट एग्जाम्पल है जो है मर्डर इन द कैथेड्रल बाय द टी एस इलियट्स, देन द फैमिली रीयूनियन बाय द टी एस इलियट्स। तो टी एस इलियट्स ने बहुत ज़्यादा जो मैक्सिमम जो 20th सेंचुरी में जो इन्होंने इनोवेशन किया पोएट्री ड्रामा के अंदर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं पोएट्री ड्रामा जो थे पहले जो विलियम शेक्सपियर के समय में लिखे जाते थे, पर धीरे धीरे ये बीच में बंद हो गए, पर अगेन टी एस इलियट्स ने इसके बारे में काफ़ी जो है वर्क किया और उनके मैक्सिमम जो ड्रामा है पोएट्री ड्रामा के अंदर आते हैं। देन द कॉकटेल पार्टी बाय अगेन द टी एस इलियट्स, देन द होम ऑफ बर्नार्ड अल्बा इन 1936, ब्लड वेडिंग बाय इन 1933 और यर्मा बाय द यर्मा इन 1934 बाय द फेडरिको ग्रासिया लॉर्सा, जो है इन्होंने पोएट्री ड्रामा के अंदर काफ़ी जो है वर्क किया। देन नेक्स्ट है जो अगला टाइप ऑफ ड्रामा है एपिक थिएटर। तो एपिक थिएटर मतलब इस तरह के जो ड्रामा है मैक्सिमम इनको थिएटर में ही प्ले करके दिखाया जाता है, और इस तरह का जो एपिक थिएटर है या एपिक ड्रामा है इसका जो जिस टर्म को जो ओरिजिनेट किया था बाय द रोमानियन प्ले राइटर बाय द इरविन पेस्केटर, तो वैसे इनका जो नाम है ये इरविन जो है ये हम इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं, बट जब इसको आप इसको रोमानियन वर्ड में यूज़ करेंगे तो वो ऑरविन पेस्केटर। और ये जो एपिक थिएटर में जो वर्क जो प्रेजेंट किया जाता है एक तरह से कुछ ऐसे सीन प्रेजेंट किए जाते हैं जो आपस में कोरिलेट होते हैं, और इसके बाद जब कुछ सीन्स को प्रेजेंट कर दिया जाता है देन उसके बाद जो है आर्ग्यूमेंट होता है बिटवीन द ऑडियंस एंड द कैरेक्टर, और वो जो आर्ग्यूमेंट है उसको शो किया जाता है लाइव एकदम। तो एक तरह का इस तरह की जो चीज़ें हैं कि जब भी कोई सीन आपके सामने प्रेजेंट किया, मान के चलिए कोई सीन आपके सामने प्रेजेंट किया है, और वो सीन को करने के बाद कैरेक्टर खुद जो है ऑडियंस के सामने बताए कि उनका क्या मतलब था, क्या करना चाहते थे और ऑडियंस का क्या समझ में आया, तो एक तरह का एक ओपन डायलॉग होता है बिटवीन द ऑडियंस एंड द कैरेक्टर जो है उसको जो है एपिक थिएटर में शो किया जाता है। अब इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया कि जब सीन्स को प्ले कर दिया जाता है उसके बाद इसको प्लॉट को वहाँ पर रोक दिया जाता है, उन सीन्स का जो डायरेक्ट एनालिसिस है आर्ग्यूमेंट है या फिर डॉक्यूमेंटेशन है ऑडियंस के साथ जो कैरेक्टर के द्वारा या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि एक तरह से उन कैरेक्टर्स को उनके सामने उसने एक तरह से प्रेजेंट किया है वो आके ऑडियंस के सामने आता है और बताता है कि क्या इसका मतलब था। तो इस तरह के जो प्ले हैं वो जो प्ले हैं जो एपिक थिएटर यानी इस तरह के जो प्ले जो है वो थिएटर में ही पॉसिबल हैं जहाँ पे ऑडियंस के साथ आर्ग्यूमेंट करके या फिर ऑडियंस को उसका एनालिसिस बता के। तो अपने जो हम लोग जो मोबाइल्स के अंदर या फिर लैपटॉप्स के अंदर देखते हैं ऐसा जो है वो उसमें पॉसिबल नहीं हो सकता है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ एपिक थिएटर। और एपिक थिएटर में जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो कि बर्टोल्ड ब्रेक्ट का जो एग्जांपल है उनके जो द्वारा लिखे गए बहुत सारे प्ले हैं जैसे मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, देन अगेन द कॉस्केसन चौक सर्कल, तो ये और इसके अलावा द गुड पर्सन ऑफ सिज़वान बाय द बर्टोल्ड ब्रेक्ट। ओके, तो ये एक जो एपिक थिएटर का जो ओरिजिनेशन है वो जर्मनी में हुआ था, दैट्स वाई ये जो मैक्सिमम जो वर्क है इस एपिक थिएटर के अंदर आपको जर्मन वर्क मिलेगा। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, यानी एब्सर्ड का मतलब एक ऐसी एब्सर्डिटी जिसको शो किया गया ऑन द थिएटर, और यहाँ पर जो इस टर्म को जो ओरिजिनेट किया था बाय द मार्टिन एसलिन ने 1960 में अपने एसे में द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, और इस वर्ड जो कॉइन जिस टर्म को जो मेंशन किया था 1960 में। अब इसके अलावा जो इसके अंदर जो वर्क प्रेजेंट किया जाता है जिसको हम लोग जो है एक फिलॉसफी है एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब है कि जो भी एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो हो रहा है उसका जो जिम्मेदार है वो इंडिविजुअल है। तो इस तरह के वर्क को जो है जब थिएटर में हम लोग प्रेजेंट करते हैं तो उसमें जो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इसे इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एक तरह का जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है इट शो व्हाट अकर्स व्हेन ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज डिवाइड ऑफ मीनिंग ऑफ पर्पस एंड कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। तो इसमें यह पता जाता है कि जब एक तरह का जब ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है आपस में उसका जो मीनिंग है उसका जो पर्पस है जो कम्युनिकेशन है आपस में एक दूसरे के साथ जब वो ब्रेक हो जाता है, जब उसका मतलब वो दूसरे व्यक्ति को नहीं समझा पाता है तो क्या होता है, तो जब उसको हम लोग जो हैं
थिएटर में इसको जब शो करते हैं तो यहाँ पर इस तरह के जो प्ले हैं इनका जो फॉर्मेट होता है वो सर्कुलर फॉर्मेट होता है, यानी जो स्टोरी है जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं से एंड होती है और वहाँ पर एक ही पॉइंट को घुमाकर दिखाया जाता है। और यहाँ पर जब एक पर्सन का जब उसका जो मीनिंग है, जब सामने वाला पर्सन समझ नहीं पा रहा है उसका मीनिंग को, तो किस तरह से जो कम्युनिकेशन आपस में हम लोग जो है डेली लाइफ में आपस में ब्रेक हो रहा है उसको जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड की फॉर्म में शो करते हैं। अब इसके अंदर जो है एक तरह से बोला जाए कि पहले सबसे पहले लॉजिकल स्टेटमेंट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है, उसके बाद वही लॉजिकल स्टेटमेंट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो है इरेशनलिटी और इलॉजिकल स्पीच के अंदर बदल जाता है। तो कैसे एक तरह से लॉजिकल कंस्ट्रक्शन और आर्ग्यूमेंट जो है इरेशनल और इलॉजिकल स्पीच में बदल जाते हैं, इस तरह के थिएटर एब्सर्ड्स के अंदर देखा जाता है। और इस तरह के बाद में सबसे एंड में जब ये प्ले एंड होता है वो वहाँ पे कंक्लूड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ साइलेंस, एकदम साइलेंस के फॉर्म के अंदर। तो ये बहुत एकदम मैंने एक तरह से ब्रीफ में ये सारे के सारे एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट किए। अब इसके अंदर जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड्स में जो बेस्ट एग्जांपल है, वेटिंग फॉर गॉडट एंड हैप्पी डेज बाय द सैमुअल बेकेट, देन द जू स्टोरी बाय द एडवर्ड एल्बी, एंड द पिंग पोंग बाय द आर्थर एडमोव, क्रोमा बाय द मैनुअल डी पेड्रोलो, एंड द ऑटोमोबाइल ग्रेवयार्ड बाय द फर्नाल्डो अराबेल। ओके, तो ये कुछ जो हैं आपके सामने एग्जांपल हैं। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर जो है यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपका कोई भी डाउट है अगर तो आप कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को जो हमारा टेलीग्राम चैनल है और जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे इन सभी लेक्चर्स की जो समरी है जो नोट्स है वहाँ पे आपके सामने अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, तो हमारे कोर्स रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी को इंक्वायरी के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपका कोई भी डाउट है तो वहाँ पर भी जो है अपने डाउट को बता सकते हैं। ओके, तो ये लेक्चर जो है आज का यहाँ पे फिनिश हुआ। अब हम लोग आगे के वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू।